हेलो गाइस, मैं राजेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश डी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथियों, आज 2021 का लास्ट डेज यानी 2021 समापन की ओर और 2022 आने वाली अग्रिम साल की आप सबको बधाई, आपके परिवार और आपके चाहने वाले आस पड़ोस जितने भी आपसे संबंधित व्यक्ति कैंडिडेट्स हैं सबको मेरी बधाई अग्रिम साल की हो और आपके परिवार सहित सदा हमेशा खुश रहें। नए साल की अग्रिम बधाई को देते हुए इसमें आशा करते हैं कि जो आपने 2021 यानी 2021 में नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, वो कोई भी कमी रही हो, उनको 2022 में ये संकल्प लें कि उनको हम पूरा करें। जो साथी मेरे YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी क्रम में आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लिया है, जो मेरा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, जो इंटीग्रेट स्पेशल जो क्लासेस मेरी चल रही हैं, कंटिन्यू क्लासेस आ रही हैं, तो इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहता है, इससे दो या तीन क्वेश्चंस तो आते हैं, तो हम केवल रूल विशेष पर ही फोकस करेंगे। बाकी अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे पीडीएफ ले सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो साथियों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, अब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का मतलब होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक कम्बिनेशन होता है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। अब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए मेरा सेंटेंस सिंगुलर है, अगर किसी में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब जो आएगी वो भी हमारी सिंगुलर की ही यूज होगी इसमें। अगर हमारा प्लूरल है तो फिर क्या होगा, तो प्लूरल वर्ब भी हमारी प्लूरल ही यूज होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी कन्फ्यूज़न करती है कि कब सब्जेक्ट हमारा जो कब होता है सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है या कब हमारा वर्ब सिंगुलर बनती है, तो यहाँ पे हमारा कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए यहाँ पर होती है कि जब नाउन होता है, कोई भी नाउन होता है, नाउन में एस जोड़ेंगे अथवा ई एस जोड़ेंगे तब ये हमारा प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लूरल जब नाउन में कोई एस या ई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। अगर वर्ब में एस अथवा ई एस जोड़ते हैं तो ये हमारा सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज होगी और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे सिंगुलर वर्ब्स होते हैं इज है, हैज है, वाज है, तो इनमें हम यूज कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब जे अलग होती हैं। वर्ब और नाउन के बीच का अंतर, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ जे हम देख सकते हैं कि नाउन और जो हमारा नाउन कब सब्जेक्ट कब प्लूरल बनता है और वर्ब कब सिंगुलर बनती है, तो ये हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा
ध्यान रखें आप, बिल्कुल इसको हमें भूलना नहीं है। अगर अगर दो दो सब्जेक्टों को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब यहाँ पे ये रूल महत्वपूर्ण आता है और इस यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे राम और श्याम हो गया तो यहाँ पर आर आएगा, ना कि इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है रूल नंबर सेकेंड, हमारा क्या कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक नाउन एडजेक्टिव एंड से जोड़े जाएं, देखो नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन एक ही व्यक्ति वस्तु को आइडिया। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने की है कि अगर दो नाउन्स हैं, टू नाउन, नाउन को एक में जोड़ने, एक नाउन को या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ दिया और उनकी जो आइडियाज़ हैं या क्वालिफिकेशन है या एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा, बशर्ते वो एक ही को इंडिकेट कर रहा है यानी एक ही आइडियाज़ को बता रहा है, एक ही बात को बता रहा है, तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि दिया हुआ कि माय फ्रेंड, अभी थोड़ा बड़ा, माय फ्रेंड द फिलोसोफर एंड गाइडर हैज़ कम, तो यहाँ पर है जिस चीज़ हमें समझने की ज़रूरत, जो हमारा फ्रेंड है वो फिलासफर भी है और गाइडर भी है, ठीक गाइड भी है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर का यूज करेंगे। अगर यहीं पे होता कि माय फ्रेंड फिलासफर एंड द लगा होता तो फिर अलग अलग हो जाता है इनमें, ठीक है। अगर दोनों एक ही क्वालिटी की इंडिकेट करें, एक ही व्यक्ति की ये क्वालिटी जो है फिलासफर और गाइडर, ये दोनों एक ही व्यक्ति की क्वालिफिकेशन है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना है। ठीक है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो अलग अलग सब्जेक्ट का बोध होता है तो इनके साथ प्लूरल। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन हो, सेंटेंस के दो अनकाउंटेबल नाउन हो और एंड से जोड़कर सेंटेंस के प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वो अनकाउंटेबल हो और उसका प्रयोग हो और अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। रूल नंबर थर्ड मेरा कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट को एज विल एज विद ऑल टुगेदर विद एंड नॉट एडिशन एडिक्ट वर्ड एज साइड एक्सेप्ट एंड लाइक अनलाइक नो लेस दैन नथिंग बट इन से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जी हमारा यहाँ पर काफ़ी रूल इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसको भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप लगाइए और इसको आप बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि एंड नॉट वर्ड एडिशन एडिक्ट बेसिक एंड कॉन्सेप्ट रैदर दैन अकम्पनेस्ट एंड लाइक अनलाइक नो द लेस दैन और नथिंग बट में जोड़ा जाए तो फिर वर्ब जो आती है वो अकॉर्डिंग टू पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो एज वेल एज की बात कर रहा है एंड से क्या, तो यहाँ पर जो नाउन आएगा वो हमारे अकॉर्डिंग टू राम के आएगा, ना कि हिज पेरेंट्स के अनुसार नहीं आएगा जो हमारा है। तो यहाँ द कैप्टन अलोंग विद, अब अलॉन्ग विद देखो आया है द सोल्जर्स लिखा हुआ, तो यहाँ पर जे हमारा सिंगुलर है, इस जे हमारा कैप्टन है वो सिंगुलर है, इसी के साथ बाज का यूज़ हुआ है। फिर द फादर अनलाइक, देखिए द फादर अनलाइक माई अंकल्स, तो यहाँ पर फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज़ कर लिया गया, तो ये रूल आपको समझ में आ गया। रूल नंबर फोर कहता है कि अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो, यदि आर्टिकल का यूज हो, यदि आर्टिकल का यूज सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ। आप कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ है उसमें
सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट या एक ही नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, जो इसका मतलब है कि वो जो व्यक्ति है उसमें वस्तु जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो एक ही वस्तु है। जैसे अ वाइट एंड ब्लैक, अ वाइट एंड ब्लैक लिखा हुआ, वाइट है, वाइट एंड ब्लैक जो लिखा हुआ ग्राउन इस बात, क्यों? क्योंकि जो ए आया, एक एक के अकॉर्डिंग आया, एक नाउन, एक नाउन से पहले आया, वाइट से पहले आया। अगर ए द ब्लैक हो जाता तो यहाँ पर अलग अलग, तो फिर यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लेते। काउंसिल वाज, देखिए वाज द ग्रेट ऑरेटर, देखिए वाज लगा, ए ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट, तो यहाँ पर अलग अलग दोनों हो गए, तो इसीलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, वर का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए काउंसिल वाज द ग्रेट ऑरेटर एंड ए पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ठीक, अगर अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट से पहले हो तो इसका अर्थ अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तुओं हो है, तथा अतः यहाँ पर प्लूरल। यदि किसी भी सभी भी सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का आया है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा प्लूरल हो सकता है, तो फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा प्लूरल माना जाएगा, और वर्ब कैसी होगी, प्लूरल यूज होगी। जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, यानी दोनों से पहले यहाँ पर हमारा आया हुआ, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर हैव का यूज होगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यदि इफ एनी टू सब्जेक्ट नाइदर नॉर आइदर आर नॉट ओनली बट आल्सो एंड नन बट से जुड़ जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अब नज़दीक वाले जो इसके सबसे नज़दीक होंगे उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लाएंगे। क्यों, देखिए नाइदर राम नॉर श्यामबास हैज़ कम, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम नॉर, तो यहाँ पर जो है हमें इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर तो दोनों हमारे सिंगुलर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर ले आएंगे। ठीक, तो नॉर के नज़दीक कौन सा है सबसे, तो वर्ब जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट, सबसे नज़दीक सब्जेक्ट क्या है इसका, ये वाला पढ़ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर हैज का, और यहाँ पर आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, इसके नज़दीक जो है हिज फ्रेंड्स पढ़ रहा है, इसलिए हमें नज़दीक वाले वर्ब के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्ब का यूज़ करेंगे। भाई जिसको पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट कर सकता है, ले सकता है पीडीएफ, मार्किंग की लगी हुई, लिटरेचर की भी है। नाइदर ऑफ के अर्थ में दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक के अर्थ एक भी नहीं के लिए वन ऑफ का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये बात कही बताई गई कि नाइदर ऑफ हिज फोर सिंस लुक्ड आफ्टर हिम, तो यहाँ पर नाइदर ऑफ फोर सिंस की जगह पे नन ऑफ फोर सिंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका नाइदर ऑफ, नाइदर और की जगह पे नाइदर, यहाँ पे नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं के लिए होता है। ठीक, और जब दोनों दो में से एक के लिए भी नहीं होता तो नाइदर का की जगह पे हम नन का प्रयोग कर लेंगे, आइदर की जगह पे हम क्या करेंगे, वन का यूज कर लेंगे, क्योंकि आइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक, दो से अधिक या दो में से एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम आइदर ऑफ फाइव मेंबर्स इज द फ्लॉट। ठीक, तो आइदर की जगह पे यहाँ पे वन को हम कन्वर्ट कर लेंगे। बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ये हमें महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान रखना है, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होगा, दो में से एक के लिए भी नाइदर का प्रयोग होगा, यानी नाइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई नहीं। तो
तो बोथ के साथ नॉट का यूज, नॉट का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दो में से एक भी के लिए नाइदर का प्रयोग होता है। बोथ ऑफ देम डिड नॉट, तो नाइदर ऑफ एनी बोथ एंड के बोथ के साथ नॉट का ना प्रयोग करके हम नाइदर का प्रयोग कर लेंगे तो यहाँ पर मेरा काफ़ी सुटेबल रहता है। जैसे नाउन, नाउन कुछ नाउन फॉर्म में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाता है। जैसे देखने में प्लूरल होते हैं, व्हाट क्या होता है कि ये हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण सेंटेंसेस हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए अब बीमारियों के नाम होते हैं, मसल्स पम्प क्रिकेट्स जितने भी होते हैं, खेलों के नाम होते हैं, देशों के नाम, पुस्तकों के नाम और विषयों के नाम जितने भी होते हैं, जो हमेशा देखने में सिंगुलर होते हैं। व्हाट क्या है कि जे हमारे सिंगुलर माने जाते हैं, देखने में होते हैं टिक, तो होते जिस होते प्लूरल हैं देखने में, लेकिन जब यूज इनका करेंगे तो एज ए सिंगुलर यूज के लिए, इसलिए इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब यूज होगा। मैथमेटिक्स इज टिक, तो इसमें क्या, स्टेटिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा से होता है, मैथमेटिक्स से तात्पर्य हमारा कैलकुलेशन से होता है, तथा पॉलिटिकल से हमारा राजनीतिक विचारों से होता है। इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा, इनका रूप जो होगा वो बहुवचन के रूप में होगा। बट क्या होता है, स्टेटिक्स है, तो स्टेटिक्स के अगर ऐसे कोई आते हैं तो स्टेटिक्स है के साथ है काम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, जिनका प्रयोग कभी प्लूरल में कॉमन होता है तो हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको रूल नंबर 8 की तरफ कह रहा है कि एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं तथा ऐसा करना गलत होता है। अब क्या है कि एक वाक्य होगा, वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट। अब जो हमारी वर्ब यूज होती है वो अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि एक ही सेंटेंस है, सेंटेंस में कई सब्जेक्ट दिए हुए, तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें वर्ब को फिल करेंगे। ठीक है, ये बात कर रहा है को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, ऐसा करना गलत होता है। लेकिन हम अक्सर वर्ब के नज़दीक होती उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है कि उस सेंटेंस में देखना है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब हमें फिल करनी है। रूल नंबर 9 हमारा कह रहा है द कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। अब कलेक्टिव नाउन जितने भी होते हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जी एग्जांपल्स यहाँ पर कलेक्टिव नाउन रूल नंबर 10 हमारा कह रहा है कि प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। भाई प्लूरल संख्या होगी तो हमारा प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लेंगे। जैसे 100 बॉयज़, अगर केवल 100 बॉयज़ लिखा हुआ या कोई चीज़ यूनिट में पाई जाती है, जैसे 100 रुपीज़, रुपी नोट जो होगा तो वहाँ पर यस नहीं लगाएंगे। अब बॉयज़ की बात करता है, नंबर कैसा है सिंगुलर, वो हमारा प्लूरल है इसीलिए हमारा प्लूरल शब्द वर्ब का यूज़ हुआ है। नोट में क्या, नोट हमारा विशेष कर ध्यान लेना, द कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स 1, 2, 3, 4 इस टाइप का हो के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तो प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट निश्चित रकम या सर्टेन वेट निश्चित वजन अथवा सर्टेन पीरियड निश्चित सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन हाइट और
के साथ निश्चित का बोध होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ना कि हमारा प्लूरल। अगर इनके बाद होता जैसे टू पेयर, टू दर्जन, फोर, 500, ठीक है, 400, 500, अगर ये सर्टेन की बात कर रहा है तो एक निश्चित रकम की बात करता है। जब कोई निश्चित की रकम की बात कर लेता तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ना कि हमारा प्लूरल होगा। प्लूरल नहीं हो सकता तो फिर यहाँ पे सिंगुलर होगा। एक एक पॉइंट को समझिए, यहाँ से पॉइंट हमारे सब्जेक्ट में आते हैं तो इनको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत कायदे से पढ़ने की ज़रूरत। लेकिन सर्टेन एडजेक्टिव क्या होते हैं, के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो या करना हो तो इन तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। अब क्या है कि लेकिन कॉर्डिनल, ऑर्डिनल था ये कॉर्डिनल है के बाद प्रयुक्त प्लूरल नंबर से अलग अलग यूनिट, अलग अलग यूनिट यूनिट्स का बोध करना हो या करना हो तो इसके बाद तो इससे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे 100 रुपीज़, क्या हमारा क्या 100 रुपीज़ लगा हुआ, रुपीज़ हमारा प्लूरल है इसीलिए यहाँ पर ये प्लूरल बना दिया। टू बी डिस्टेंस अमाउंट द स्टूडेंट, ठीक है। नन ऑफ, नोट द डिफरेंस, इनमें क्या नोट डिफरेंस क्या होता है, देखिए 5000 जो 5000 है ये एक वन यूनिट है, क्या है एक वन यूनिट है, ठीक है, एक ही यूनिट की बात कर रहा है 500, इसमें 500 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए रुपीज़ क्यों, यहाँ पे देखिए 5000 रुपीज़ लिखा हुआ, ठीक है, इस द हंड्रेड्स हैंडसम अमाउंट। अब यहाँ पे 5000 रुपीज़ हैव बीन सेंट फॉर द डिफरेंट यूजफुल कॉमेडिएट, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब मान लिया गया और यहाँ पर सिंगुलर को सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिया गया, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग रूल फॉलो किए गए हैं। रूल नंबर 11 मेरा क्या कहता है कि यदि अगर एक रिलेटिव प्रोनाउंस हु विच दैट के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट हो। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे हु विच दैट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक, के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए, एक सब्जेक्ट होगा और इसको एक वर्ब से जोड़ा जाएगा, फिर वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी जो उसे रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होगा, उसके एंटीसीडेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी इज वन ऑफ द नॉवलिस्ट, फिर आपको वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पर यह चीज़ देखने की है कि नॉवलिस्ट वुमेन दैट इवर लिव ऑन द अर्थ, तो यहाँ पर जो है हमारा वुमेन बिल्कुल एंटीसीडेंट दिया हुआ है, इसीलिए आप इसमें हम हैव का यूज एंटीसीडेंट के अनुसार ही कर लेगा। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु, ठीक है, आई एम नॉट वन ऑफ होज दोज हु विल रिटर्न एवरी वन हु, तो दे मीट होगा यहाँ पर, एंटीसीडेंट है हुज के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को फिल करेंगे। अब क्या मोर देन वन ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग, हाँ मोर, तो ईच स्टूडेंट हैज़ कम, तो ईच है, इवरी है, वन है, मेनी ऑफ स्टूडेंट जो यूनिट को बता रहा है, और मोर देन वन मैन, तो ये भी हमारा सिंगुलर में आएगा, तो इनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोर देन वन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट का यूज़ या प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं, जैसे नोट का
का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। जब नोट है, अब मैनी को आप चेक कर लीजिए, मैनी क्या है, मैनी को एक बार हम देखेंगे। मैनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों का देखें। मैनी मैनी ए मैन हैज, मैनी अ मैन, ठीक है, तो फिर ये हमारा हो गया सिंगुलर मैनी मैन। चुक, तो मैनी मैन की बात करें तो ये हमारा हो गया प्लूरल, ठीक है, जो यहाँ पे सिंगुलर होगा, जो यहाँ पे प्लूरल हो गया। अ ग्रेट, अ गुड मैनी मैन, तो यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। रूल नंबर 13 कह रहा है कि अगर ईच, एवरी वन आदि के बाद ऑफ, अगर ईच, एवरी वन आदि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन को प्लूरल रखा जाता है। ईच और एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, ठीक, इस टाइप का यूज होता है, का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, यानी यहाँ पर ऑफ लग जाता है, यानी ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ अगर जुड़ जाता है तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमारा प्लूरल में आएगा, इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी प्रोनाउन तद आदि सिंगुलर होंगे। देखिए आप यहाँ पर बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, यदि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ इत्यादि के बाद ऑफ आप का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन ऑफ होता, इसके बाद आने वाला नाउन जो होता है नाउन अथवा प्रोनाउन होगा तथा तो प्लूरल होगा, यानी ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन इसके बाद आने वाली वर्ब, जो वर्ब है वो प्रोनाउन आदि सिंगुलर होगा, तो नाउन और प्रोनाउन आने वाली जो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है, वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन क्या ये रूल बहुत कायदे से आपको समझने की ज़रूरत है, क्यों बहुत डीपली, अब यहाँ पर अच्छे से इसको आप समझ लीजिए। कह रहा है कि एक सेंटेंस जैसे ये दिया है, यहाँ पे ऑफ दिया है, ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, यहाँ पे जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर होगी। वन ऑफ द बॉय, देखिए अब यहाँ पे ऑफ आ गया, ऑफ के बाद द बॉयज आ गया या देम हो सकता है, फिर जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर है, देन हिज सिंगुलर आ गया, वर्ब हो गया। प्लूरल नाउन तथा प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो उसे प्लूरल माना जाता है। अच्छा, नाउन के बाद जब ईच का प्रयोग हो तो वो हमारा प्लूरल माना जाएगा, ठीक है, प्लूरल माना जाएगा, और इसके साथ ही प्लूरल वर्ब का यूज होगा। वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड आवर नेशन। वी ईच, अगर ईच अगर पहले होता, ईच ऑफ हो जाता तो यहाँ पर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो जाता तो वर्ब सिंगुलर हो जाती, बट क्या है कि ईच, वी ईच लगा हुआ है, इसीलिए जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल मान लिया जाता, या इसीलिए हमारी जो वर्ब होती है वो हमारी प्लूरल यूज होगी। रोल नंबर 15 इंडिफिनिट प्रोनाउन वन ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। रूल नंबर 16 कह रहा है कि हमारा काल्पनिक वाक्य प्रायः इफ एज तोस इफ सपोज आई विश आई केस अथवा वुड दैट से
शुरू होते हैं। कहने का मतलब ये बात है कि इफ़ यानी जिस वाक्य में कोरी कल्पनाएं की जाती हैं, जैसे इफ़ आई एम पीएम, इफ़ आई एम ड्राइवर, इफ़ आई एम प्रेसिडेंट, इफ़ आई एम चीफ मिनिस्टर, तो ऐसी कोरी कल्पनाएं करना। तो इस सेंटेंस में क्या होता है कि आई विश, आई कैन, आई सपोज, सपोज दैट वी कम अ डॉक्टर, तो अथवा वुड है, वुड दैट से शुरू होते हैं। ठीक है, वुड दैट से शुरू होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, तो इन वाक्यों में हम क्या कर सकते हैं कि इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर अथवा पर्संस के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, ना कि वाच का। अब यहाँ पर क्या मतलब, कहने का मतलब है इफ़ जहाँ पर हो, सपोज हो, टिक, अब मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा, मैं सिंगुलर का नहीं कर सकते। अब बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको यदि रूल्स नहीं आते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर का वाच का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यदि मैं टीचर होता है ही नहीं, क्या करें भाई, बन ही नहीं पा रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉज, आई विश, आई वर, द वर्ड्स, ठीक है, इफ ही वर रिच, यदि वो अमीर होता, वी वुड, अब यहाँ पे भी इस सेंटेंस को बहुत ही कायदे से देखना है कि भाई वुड हेल्प का प्रयोग होगा। वुड हेल्प का प्रयोग क्यों होगा, क्यों वुड सब में नहीं लगेगा, सिर्फ देख लेता है। रूल नंबर 17 कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब ऑप्टेटिव गॉड है, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या, गॉड सेव द किंग। ऑप्टेटिव क्या मतलब होता है कि हाँ, इच्छा सूचक ऐसे शब्द जिसमें इच्छा, अपनी इच्छा को दर्शाना होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर अपनी इच्छा को दर्शाना होता है तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, उसमें जो होगा, जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा और वर्ब हमारी प्लूरल होगी। कहने का मतलब है कि सीधे मेन वर्ब का यूज़ करेंगे भाई। वर्ब प्लूरल कब होगी, जब हम वर्ब में एस आई एस न लगाएं, एस आई एस वर्ब में लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। इसीलिए जो यहाँ पर सीधे मेन वर्ब का यूज़ होगा। ओके, समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए भैया, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लाइक करें, समझ में आ गया तो लाइक कर दें, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आपके लिए। भाई मेहनत तो इसीलिए करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर भी आप इग्नोर करते हैं। चलिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या उसको कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का यूज़ प्लूरल कंडीशन के नाउन के साथ होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है मेरा, ठीक, जो रूल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरा। इसमें कह रहा है कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो प्लूर होता है, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है इसका, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन द नंबर ऑफ, अब ए ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, इनमें आप ध्यान रखें, फिर द नंबर ऑफ, अगर ए के जगह पे द का यूज हो गया तो हमारा क्या होगा कि द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के का प्रयोग होता है, तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में
सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इन द नंबर ऑफ बॉयज आर, देखिए यहाँ द नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि ए नंबर ऑफ अगर लगा है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब कैसी होगी? प्लूरल की होगी। कायदे से समझिए, अगर द नंबर ऑफ लग गया तो हमारी सब्जेक्ट जो वर्ब होगा वो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, इसको आप विशेष ध्यान रखें भाई। तो ए नंबर ऑफ द बॉयज, हाँ ये यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमारा कैसा होगा? प्लूरल होगा, बट क्या सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब होगी वो मेरी सिंगुलर हो जाएगी। रूल नंबर 19 को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो लॉन्ग हो रहा। अगर अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं तो इसका निश्चित सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्या बता रहे हैं कि यदि अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ किसी का अमाउंट हुआ, उसके बाद ऑफ हो, क्वांटिटी ऑफ हो, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं। अभी जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशियंट, द अमाउंट आर, अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होना है भाई, सिंगुलर वर्ब का यूज होना, लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब का यूज यानी आर का यूज कर दे, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, क्योंकि द अमाउंट है इज ऑफ मनी एक ही यूनिट की बात कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए ये यहाँ पर सिंगुलर हो जाता है। रूल नंबर 20 हमारा कह रहा है कि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। ऑल का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये कोटेशन भी हमारी दी गई है, किसमें दी गई है जी आपको कमेंट करके हमें बताना है। लेकिन आल का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए उसे प्लूरल माना जाता है। यदि आल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए की बात करता है, अलग अलग संख्याएं बताने की बात करता है, तो फिर हमारा प्लूरल होगा, तो प्लूरल वर्ब भी यूज़ होगी। यदि आल का प्रयोग ये अनकाउंटेबल नाउन को काउंट कर अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते तो हमारा सिंगुलर होगा। मतलब है कि जब आल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, वैसे हमारा क्या होगा? प्लूरल। यदि अलग अलग वस्तुओं की बात करते हैं तो हमारा प्लूरल हो जाएगा। चलिए थोड़े से बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रूल नंबर 22 कह रहा है अनकाउंटेबल बिहेवियर अनकाउंटेबल के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर हाइज, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज़ होने पर पोएट्री है, या अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका प्रयोग होने पर हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। आई पास्ट बट द परसेंटेज ऑफ मेक वॉज नॉट गुड, ठीक है। रूल हमारा 22 कह रहा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं होते हैं और इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये देखने में प्लूरल लगते हैं बट इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं और प्लूरल की तरह ही प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। सीजन्स हैं, टंग हैं, कहने का मतलब जिनके दो मुँह वाले होते हैं, जैसे चिमटा है, फुकनी हो गया, खास
फांसी का फंदा हो गया ग्लॉस फंग। तो इस टाइप से हम इनमें क्या करते हैं कि जे वर्ड लिखे हुए हैं इनको आप पढ़ सकते हैं, और इनमें जो होती है वर्ब हमेशा प्लूरल ही यूज़ की जाती है। रूल नंबर 23 हमारा कह रहा है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, अर्थ सिंगुलर का होता है। तो ऐसे में भी हमें ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल हैं लेकिन अर्थ हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। तथा इससे नाउन जैसे न्यूज़ है गया, इनिंग हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समाज हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आइदर मैथमेटिक्स हो गया, मम्स हो गया, मल्स हो गया। तो ऐसे रिकेट्स हैं, बिलियार्ड्स हैं, एथलेटिक्स हैं। तो ऐसे जो वर्ड ही प्लूरल बने होते हैं लेकिन होते नहीं हो, होते तो सिंगुलर हैं। तो इनमें वर्ब हमेशा सिंगुलर की यूज़ की जाती है। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग अब ये भी रूल हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट बन रहा है। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं कुछ नाउन जो देखने में बिल्कुल सिंगुलर लगते हैं लेकिन इसका लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, जैसे टाइटल टिक, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोलेट्री, पोलेंट्री, चिल्ड्रंस, जेंट्री, पोलिक, पुलिस, पब्लिक आदि। इसके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, इनके साथ कभी भी यस नहीं लगाया जाता है, लेकिन ये होते कैसे हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे आप देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन ये होते प्लूरल हैं। आप क्या कि भाई जैसे देखो चिल्ड्रन प्लूरल होता है, पोलेंड्री है, इन्फेंट्री है, पुलिस है, जेंट्री है, और ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ किया जाता है। तो इनको हम ध्यान में रखें, ठीक है। नोट, पीपल्स का अर्थ लोग, पीपल्स का अर्थ विभिन्न मूल अवस्थाओं के लिए होता है, ठीक, वो अलग अलग है। अब रूल नंबर जो हमारा 25 कह रहा है कि 25 रूल नंबर क्या कह रहा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे हमारा इम्पोर्टेंट है, कुछ आप इस पर टिक कर लीजिए भैया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए, आप ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अपने मित्रों को भी शेयर करिए और उनसे कहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सीनरीज, पोएट्रीज, फेंट्री, एडवाइस और इंफॉर्मेशन, हेयर्स, बिल्डिंग, मिसचीफ, ब्रेड। तो ऐसे जो वर्ड्स दिए हुए हैं जो देखने में केवल सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं, तो इनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो कभी कभी आर्टिकल आपको भरा देता है और कह देता है और एक में ऑप्शन नीचे दे देता है नन, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें कोई पार्ट आर्टिकल नहीं भरना होता है लेकिन फिर भी हम ए एंड टू इन द का प्रयोग कर लेते हैं तो वो हमारे गलत हो जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। या परिचर्चा हो, फ्यूल या पेपर, द सीनरी ऑफ कश्मीर, देखिए सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, द सीनरी, वन मिनट, सिंगुलर शब्द अनकाउंटेबल होते हैं इनके साथ, नाउंस, नाउंस का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, नाउंस का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तथा सीनरी, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स इत्यादि लिखना गलत होता है। तो ये यहाँ पर जितने लिखे हैं ये यहाँ पर गलत है, इनमें एस नहीं लगाया जा सकता। यदि युक्त नाउन में सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में ही आवश्यक
हों तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कुछ शब्द इनको हम जोड़ लेते हैं, ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम इस टाइप से ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरीज, तो इस टाइप से हम इनको बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। फिर 26 हमारा कह रहा है, 26 कह रहा है कि कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में ही एक रूप से होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें जहाँ पर सिंगुलर का सेंस आ रहा है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा, और जहाँ पर प्लूरल वर्ब का सेंस का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का हम यूज़ कर लेंगे। अब रूल नंबर हमारा लास्ट बचा है 27। को एक सारणी दी हुई है, इसको आप चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। टेबल को ध्यान से आपको पढ़ना है, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, क्वार्टर्स ऑफ, तो इसमें क्या अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है जिस सिंगुलर वर्ब, ठीक है, तो इनमें हमें ये सारणी आपको पढ़ लेनी है बस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर नए साल आने वाले नए साल की आपको अग्रिम बधाई। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस नए साल का तोहफा यही तो हमें चाहिए, बस अगर कुछ देना चाहते हैं तो बस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।